ठीक है। हेलो टेस्टिंग साउंड टेस्टिंग। ये शर्जील साहब की टेस्टिंग सही है, नंबर वन है। बहुत बहुत क्लैरिटी, इतना क्लियर है मैं समझता हूँ, इतना मैंने नहीं देखा कोई भी। ना देखोगे भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये अभी जो आप आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ कुछ आपको करना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑटो है, ऑटो है, ऑटो है। I think you should sit next to one. ये किसी को गिफ्ट देना पड़ेगा। ये तब शादी होनी है, तब शादी होनी है, ऐसे नहीं है। अच्छा जी, आपके डिपार्टमेंट के हवाले से बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी से थोड़ी सी रिलेटेड बात। मैं नहीं, पहले मैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, फिर डिपार्टमेंट के, तो फिर उनके सर्विस का इस तरह का। चलो 5-7 मिनट में। ठीक है ठीक है, करें जी शुरू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो है ये प्राइवेट सेक्टर में सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट देखें तो इसके 35,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, और इसमें 11 फैकल्टीज़ हैं और 40 से ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं। और हमारी फैकल्टीज़ जो हैं उसमें साइंस फैकल्टी है, उसके बाद इंजीनियरिंग है, लॉ है, सोशल साइंसेज है, एलाइड हेल्थ साइंसेज जो है हमारी सबसे बड़ी फैकल्टी है, उसमें कोई तकरीबन 12,000 स्टूडेंट हैं। तो इस तरह यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट जो हैं वो भी मल्टीफेरियस नेचर हैं, और जिसमें हमारा IMBB इंस्टीट्यूट ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी भी बड़े डिपार्टमेंट में शामिल होता है, और उसमें फैकल्टी मेंबर जो हैं कोई 70 के करीब हैं, और स्टूडेंट भी 2000 के करीब हैं, और उसमें 9 के करीब डिफरेंट प्रोग्राम हैं, जिसमें फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, बॉटनी, जूलॉजी, ये कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके अलावा फॉरेंसिक भी है, और उसमें काफ़ी जो RD एम्प्लॉय हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, ये हमारे वो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, MPhil PhD प्रोग्राम कर रहे हैं, और बहुत वायबल प्रोग्राम है। और इसमें मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए मुख्तलिफ डिसिप्लिन, तो लाइफ साइंसेस जो है ये आजकल इमर्जिंग फील्ड है, और वर्ल्ड ओवर लाइफ साइंसेस पर बहुत काम हो रहा है, और नई रिसर्च जो है इनोवेशन वो आ रही हैं। और हमारे यहाँ एक क्रिम है, मोलिकुलर मेडिसिन पे इंस्टीट्यूट है, इसी का ही हिस्सा है IMBB का, तो उसमें हम ज़्यादातर जो है मेडिसिन प्लांट्स और जो डिजीज़ हैं जैसे कैंसर है, हेपेटाइटिस है, डायबिटीज़ है, तो इस पे रिसर्च हो रही है, और इसका मेकनिज़म जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे यंग रिसर्चर्स हैं, बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं, और उनकी अगर पब्लिकेशन देखें तो बहुत अच्छे जर्नल, क्वालिटी के जर्नल में पब्लिश हो रही हैं। उसके अलावा उन्होंने पेटेंट भी काफ़ी रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है विदिन 2-3 ईयर जो है वो उनकी फ़ाइनल अप्रूवल हो जाएगी। ह्यूमन रिसोर्स जो है, हम नंबर ऑफ PhD जो स्टूडेंट हैं वो हर साल नंबर बढ़ता जा रहा है, इसी तरह MPhil के स्टूडेंट जो हैं उनका भी नंबर बढ़ता जा रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या पेटेंट कह लें, नए प्रोडक्ट कह लें, इनोवेशन कह लें, वो भी नंबर जो है इंक्रीज़ हो रहा है, इसी तरह जो पब्लिकेशन है उनका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। तो ओवरऑल रैंकिंग में अगर उनके इंडिकेटर देखें तो उसमें साइटेशन और नंबर ऑफ पब्लिकेशन इनका बहुत बड़ा कह लें वेट है, और इसको कंसीडर किया जाता है इंटरनेशनली। तो हम जितने भी हमारे कोलीग्स हैं बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है विदन IMBB, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका काफ़ी रोल है मार्केट में, इसके ग्रेजुएट जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उन्हें अच्छी जॉब मिल जाती है। हमारे बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट हैं कंट्री वाइड, और इसी तरह यूनिवर्सिटी जो है तमाम में बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो शुरू हो चुका है, इस तरह माइक्रोबायोलॉजी का है, बायोकेमिस्ट्री का है। तो हमारे जितने भी ग्रेजुएट हैं मोस्टली वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी गए हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में और काफ़ी सारे जो हैं
वो इंडस्ट्री में भी एब्ज़ॉर्ब हुए हैं, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, और इसलिए जो हमारे ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं बड़े वायबल हैं और मीनिंगफुल हैं। इसके अलावा जो रिसर्च हो रही है वो इंटरनेशनल इदारों के साथ मिलके, बहुत सारी यूनिवर्सिटी यूके की, यूएसए की और चाइना की और बाकी भी कंट्रीज़ की, उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं और जॉइंटली वो पब्लिश भी कर रहे हैं, और ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो भी डेवलप कर रहे हैं। तो बहुत सारे इन्होंने जॉइंटली यानी सुपरवाइज़ किए हैं पीएचडी स्टूडेंट, एमफिल स्टूडेंट, और मैंने एज ए रेक्टर जो है कहा है कि आप जब भी सुपरविजन करें तो उसमें एक फॉरेन सुपरवाइज़र लाजमी होना चाहिए। और इसी तरह से हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है ऑनरेरी प्रोफेसरशिप का, तो उसमें जो फॉरेन प्रोफेसर होंगे वो हर सेमेस्टर में लेक्चर भी दिया करेंगे, 4 लेक्चर 5 लेक्चर डिपेंडिंग ऑन देयर अवेलेबिलिटी, और उसके बाद ये है कि वो जॉइंट रिसर्च भी करेंगे, जॉइंट पब्लिकेशन भी करेंगे, जॉइंट पेटेंट भी करेंगे, और वो एक किस्म की हमारी फैकल्टी में रेगुलरली काम करेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से इदारे जो हैं वो काफ़ी यानी प्रोग्रेस करते हैं। जैसे हमने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने ये किया है कि AI जो है इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता ही है, एरा है, और इस दौर में हर जगह पे AI जो है उसका यूज़ हो रहा है। तो हमने एक कोर्स जो है वो लाजमी कर दिया है उनके करिकुलम में कि कोई सा भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा, चाहे वो सोशल साइंसेज का है, चाहे वो मेडिकल का है, इंजीनियरिंग का है, बायोलॉजिकल साइंसेज का है, उनके लिए AI का कोर्स जो है एक फंडामेंटल 3 क्रेडिट आवर का वो हमने रखा है, ताकि इंट्रोडक्शन हो जाए, बच्चों को पता चल जाए कि AI क्या है, फिर उसका यूज़ जो है वो करवाना। इसी तरह हम AI एक फुल फ्लेज प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर साइंस में वो शुरू कर रहे हैं, ये फॉल से इंशाल्लाह उसका एडमिशन हो जाएगा। तो इसी तरह और भी यानी एक आपको पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं 17 हैं, और ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने UNO के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, डॉक्यूमेंट साइन किया है। तो हम जितने भी 17 गोल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना यानी अपनी कंट्री में, ये एक ऑब्लिगेशन है हमारी, तो हम उन पे भी काम कर रहे हैं। और इसी तरह टाइम्स हायर एजुकेशन या QS रैंकिंग वो इम्पैक्ट रैंकिंग भी करती है बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो अभी परसों मेरे ख्याल रैंकिंग आ रही है इंशाल्लाह, तो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की अच्छी रैंकिंग होगी। पहले जो जनरल रैंकिंग आई है हमारी यूनिवर्सिटी की वो भी बहुत अच्छी है, QS ने अभी रिलीज़ की है लास्ट वीक, तो उसमें ये देखें बहुत ही, मैं समझता हूँ विद प्राइड मैं बताऊँगा कि 263 यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी कंट्री में, बहुत पब्लिक और प्राइवेट, और उसमें से सिर्फ 14 यूनिवर्सिटी जो हैं वो आई हैं, यानी उसमें सिर्फ 2 प्राइवेट हैं, एक लम्स है, एक हमारी यूनिवर्सिटी है आउट ऑफ 14। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, यानी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमारे सारे सिस्टर इंस्टीट्यूशन है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने काफ़ी अच्छी स्ट्राइड ली है, प्रोग्रेस की है, और रैंकिंग में वो पहली 10 यूनिवर्सिटियों में आ रही है। इसी तरह जो इम्पैक्ट रैंकिंग है परसों आएगी तो वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी टॉप 8-10 में होगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू।